अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अज़ान न्यूज़ हैदराबाद। नाज़रीन आइए डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर नज़र। आज की हमारी ये खबर है कौसर बानू को लेकर, जो कि याकूतपुरा से रहने वाली थी। दो दिन से इनकी वीडियो बहुत ही वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें ये गोलकुंडा किले की रहने वाली फ़ातिमा पर इस तरह का इल्ज़ाम आयद कर रही थी कि फ़ातिमा ने इन्हें नौकरी के बहाने ओमान बुलाकर वहाँ पर शेख से शादी करने पर मजबूर कर रही है। वहीं पर अमजदुल्ला खान से ये अपील कर रही थी कि जल्द से जल्द उन्हें हिंदुस्तान वापस बुलाएं, और अमजदुल्ला खान को भी गुमराह करने की कोशिश कर रही थी ये खातून, जो कि अमजदुल्ला खान बहुत ही अच्छा काम करते रहते हैं, हमेशा आवाम की मदद करते रहते हैं। फिर आज कौसर बानू ने अपना एक दूसरा स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने फ़ातिमा से और उनके घर वालों से माफ़ी मांगी। आइए देखते हैं ये रंग बदलने वाली दो तरफा न्यूज़। बुलाने वाले का नाम फातिमा हुसैन है भाई, उमानी में रहती है, तो कैसे बुलाई मेरे को 3 लाख रख जा, बोल रही मेरा पासपोर्ट ले रही भाई, मेरे को तकलीफ दे रही भाई, प्लीज प्लीज निकालो भाई। वालेकुम, मेरा नाम कौसर बानू, मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ। जो भी मैं बोली फातिमा हुसैन के बारे में वो गलत है, और क्या है कि उन्हों कुछ मेरे को टॉर्चर नहीं दिए, कोई मारे नहीं, कोई नहीं। मैं आई थी शादी करने के लिए, जॉब करने के लिए, वो भी मैं शादी का भी इरादा नहीं था मेरा और ना जॉब का इरादा था। आई थी इस इरादे से जॉब कर लूँगी नहीं तो शादी कर लूँगी। मेरा इरादा चेंज हो गया, मेरा इरादा वजह चेंज हो गया कि मेरे कोई मेरे को वहाँ चाहने वाला कोई है, मेरे को वहाँ मैं जिससे बहुत मोहब्बत करती हूँ उन्हें सुसाइड कर लेता बोल के बोला, तो मैं इस वजह से चले जा रही हूँ। उनके उनके लिए झूठी वीडियो बनाई, ऐसा मैं डर गई थी, इन्होंने पैसे बोले तो आई थी इस वजह से मैं जाना चाह रही, क्योंकि बोल के मैं डर के इस वजह से वीडियो बनाई के झूठा बयान दी कि इन्होंने पैसे मंगेंगे बोल के, इतना खर्चा हुआ बोल के, जबकि इन्हों नहीं मांगते बोल के बोले मेरे को चले जाओ बोले। इस वजह से मैं जाना चाह रही मैं कि गोलकुंडा के रहने वाले फातिमा हुसैन के लिए मैं जो वीडियो बनाई वो उन्होंने बेगुनाह है, वो उन्होंने कुछ भी नहीं करे मेरे को, क्या कहे टॉर्चर कुछ भी नहीं करे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके घर में अच्छी हूँ, खुशहाल हूँ, और अमजदुल्ला खान साहब को मैं फेक वीडियो बना के भेजी थी इसके बारे में, अमजद अल्लाह खान के एक्शन ले में सी में कमेंट डाले तो है। मैं फातिमा हुसैन की फैमिली से माफ़ी मांगती हूँ, अमजदुल्ला खान से भी माफ़ी मांगती हूँ कि मैं इस वजह से फेक वीडियो बनाई थी, मैं अपने प्यार को बचाने के लिए बनाई थी और मेरे को आने का था बोल के बनाई थी। और ये जो मेरी वीडियो है ये फेक वीडियो है, ये वीडियो जो भी है मेरा है, इसको जल्द से जल्द जितने भी इंडिया के है लोग हैं उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ, ये निकाल दो, ये फेक वीडियो है। ये वीडियो मेरा है, ये फेक वीडियो है, तमाम मीडिया वालों से गुजारिश है कि ये वीडियो निकाल दो, मैं माफ़ी चाहती हूँ, इसको याच मैटर को क्लोज कर दो, रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज़। मेरे को और जल्द से जल्द किले में रहने वाले हैं उनकी फैमिली से उनकी हाल हलाल से सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर दो, और अमजदुल्ला खान से भी माफ़ी मांगती हूँ। ये वीडियो फेक वीडियो बनाई तो इस वजह से माफ़ी मांग रही मैं।